करने से रिजवार बहुत रहता अंदर कर दिया। मोदी के साथ चला जाए तो ईडी वीडी सब खत्म, वो कैसे धुल जाता है फिर सारा सारा वॉशिंग मशीन वो सारी सारी वॉशिंग मशीन जो है वो मोदी के पास ही है। ये ईडी की बात कर रहे हैं, ईडी इसलिए कर रखा है कि सारे हमारी तरफ आ जाए और जितने करप्ट आदमी है सारे इकट्ठे कर लिए। मतलब इस बार वॉशिंग मशीन भी अपना अहम योगदान अदा कर रही है। ईएम भी कर रही है और वॉशिंग मशीन भी कर रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, जो चीज हमें दिखती है लेकिन हम उस पर बोलते नहीं है, उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। आप बताएं, हरियाणा का सुराग घोटाला याद है आपको, उसकी जांच नहीं हुई अभी तक। ऐसा है, जो ईडी सीबीआई वगैरह होती है ये जो सरकार के आदमी होते हैं उनको नहीं पकड़ती, ये सिर्फ उन्हीं को पकड़ती है जो विपक्ष के होते हैं ज्यादातर। आज का उदाहरण देख लो, जितने भी ईडी में पकड़े गए हैं सारे के सारे मतलब विपक्ष के ही हैं। एक वॉशिंग मशीन का जिक्र करा अंकल जी ने। नहीं, वॉशिंग मशीन में तो यह है, जितने भी करप्ट हैं सारे ले लिए, अब उसका क्या है, वो इसका मतलब वॉशिंग मशीन है वो धो देती है सारे इल्जाम धो देती है। जी ने बात रखी कि वॉशिंग मशीन की बात रखी कि दो दिन पहले जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो बीजेपी में आके सही हो गए, उनको टिकट मिल गई, इस पर क्या कहेंगे? हमारा हिंदू धर्म है, उसके अंदर जो भी हमारी शरण में आएगा वो हमारा हो जाएगा। मतलब तब पाप धुल जाएंगे, सब पाप धुल, जो हमारी शरण में आ गया वो हमारा। ये बात नहीं हुई कोई, यही बात है भाई साहब। अब रेल रोक रखी है, रास्ते रोक रखे हैं किसानों ने, अब किसानों ने नहीं रोके, सरकार रोके। ये जितने रास्ते हैं जो डब वाली खुलवाया गया वहाँ पे व्यापारी इकट्ठे हुए, अभी ये रास्ते खोल दो, किसान नहीं तंग कर रहे, तंग तो सरकार कर रही है हमें। उन्होंने रास्ते में किले गाड़ी हुई है, किसान एक साइड में बैठे हुए, किसान आंदोलन करना हर किसी का हक है, वो किसी को किसान तंग। रेल रोकना सिखों का पुराना इतिहास है। सरकार ने रास्ते रोके, किसान सात सौ किसान दिल्ली मरे, किसानों के साथ अन्याय, किसानों क्या कसूर है, किसानों की सुननी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन 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 एक बार जोर से पहले सबसे पहले बोल दो जय श्री राम, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। आपके भाई डॉक्टर सुरेश शर्मा का, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले सुरेश शर्मा जी को जन्मदिन की बधाई जरूर देनी चाहिए। और सुरेश शर्मा जी के चेहरे की लाली ये बता रही है कि अगली बार ये भी जो है अगली बार ये भी चुनाव में खड़े होने वाले हैं, लगता है चुनाव में खड़ा है। आप भाइयों का साथ होगा तो हो सकता है ये तो जीतेगा ना, उसमें 100% चेंज आएगा, क्योंकि पिछली बार 2014 से 2019 में भी चेंज आया, सीटें कम हो गई बीजेपी के, अब की बार तो मेरे ख्याल में तो ये माहौल बदल गया, सुपड़ा साफ होगा। विधानसभा की बात कर रहे हैं, इस बार 10 में से 10 सीटें बीजेपी दावा कर रही है हम ले जाएंगे, कांग्रेस दावा कर रही है हम ले जाएंगे, झूठा दावा है, झूठा दावा, हम कुछ कह नहीं सकते, 50-50 भी हो सकता है इस बार, मतलब माहौल थोड़ा खटाई में है, खटाई हो सकती है, बिल्कुल खटाई में जी, तीन चार सीटें तो कांग्रेस की पक्की है जी। और इससे आप क्या देख रहे हैं मोदी, किस तरह का माहौल इस बार रहने वाला है, क्या 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? आधे मिलने भी मुश्किल है, 5-5 जो है ये भी मिलने मुश्किल है बीजेपी को। हरियाणा में माहौल बदल रहा है, हरियाणा नाराज है, किसान नाराज है, नवयुवक नाराज है, एक अग्निवीर ने बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। तो एक बार ताड़िया इन तमाम हमारे बुजुर्गों के लिए जरूर बजा दी जाए, जो आप देख सकते हैं बुजुर्ग तो सिर्फ दिखने के हैं लेकिन अंदर से दिल से आज भी जवान है, दिल से आज भी जवान है। और तस्वीरें देख सकते हैं, ये सभी लोग तकरीबन, अगर बात करें कुछ कारोबारी नजर आ रहे हैं लेकिन तकरीबन लोग जो है सरकारी नौकरियों से रिटायर है, कोई बिजली डिपार्टमेंट से रिटायर है, कोई पुलिस से रिटायर है और अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं इनके बीच में, सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि करनाल सीट अपने आप में बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि कल करनाल से
पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार है उन्होंने अपना नामांकन भर दिया। मौजूदा सीएम जो हरियाणा के सीएम है करनाल उपचुनाव से चुनावी मैदान में है उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब टक्कर जो है शुरू हो चुकी है, चुनाव माहौल जो है शुरू हो चुका है कि 19 से 20 दिन जो है शेष बाकी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो न्यूट्रल रिएक्शन है वो ऐसे सुबह सुबह पार्कों में जाकर जो है मिलते हैं कि लोग क्या कुछ समझते हैं, किसकी सरकार आएगी, कैसी सरकार आनी चाहिए, कौन सा नेता बनना चाहिए, क्या कुछ समझते हैं बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस बार के चुनावों में? इस बार के चुनाव में माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, पब्लिक खुश है और इलेक्शन का माहौल चल रहा है। यहाँ तो दो दो इलेक्शन करनाल के इकट्ठे आ रहे हैं, पब्लिक एंजॉय कर रही है। वोट जिसको जहाँ देना अपने हिसाब से देता रहेगा, बट हमारा ग्रुप एंजॉय कर रहा है। 10 साल का कार्यकाल ठीक रहा सरकार का? सरकार का कार्यकाल तो चाहे अच्छा हो या खराब हो तो उस चीज़ का यहाँ ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता है। यहाँ हमारा जो मॉर्निंग वॉक क्लब है ये तो अपने पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए सुबह अपनी सेहत के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। असली चीज़ तो यही है, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन राजनीति भी अलग चीज़ है, सब समझते हैं। लेकिन सिर्फ एक सवाल पूछना चाहेंगे, एक 31 साल का युवा नौजवान कांग्रेस से खड़ा है और 71 साल के हमारे पूर्व सीएम खड़े हैं, आमने सामने टक्कर होगी क्या? देखो ये इलेक्शन की बातें हैं, इसमें क्या कह सकते हैं टक्कर होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आज का वोटर भी इतना समझदार हो चुका है कि वो साइलेंट रहता है, उसने जो करना अपने मन से ही करता है और खुल के वो इतनी जल्दी बताता भी नहीं कि मैं वोट कहाँ डालना है मैं और कहाँ नहीं डालना। इस बार का ज़्यादा साइलेंट लग रहा है, इस बार का ज़्यादा साइलेंट लग रहा है, बाकी अपना अपना उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। इस बार का कुछ साइलेंट जरूर लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ प्रतिशत जरूर जो है नाराजगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। तो और बहुत से लोग हैं बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? करनाल सीट काफी हॉट सीट है, एक पूर्व सीएम और एक मौजूदा सीएम, क्या लगता है किसको जिताएगी पब्लिक इस बार? पब्लिक का रुझान तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और जो इलेक्शन है ना वो इस बार बड़ा क्लियर सा है, मतलब लोग पूरी अपनी सोच के अनुसार चल रहे हैं। ये नहीं है कि 71 साल और 31 साल का कोई फ़र्क है, 71 साल वाले की भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो इस लेवल पे आया है बंदा, और जो 31 साल वाला है उसकी अपनी अचीवमेंट है कि छोटी उम्र के अंदर उसने इतनी बड़ी स्टेज ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उम्र का तो इसमें कोई तकाजा नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी अपनी भावना है, उन्होंने बीजेपी का राज भी देखा है, कांग्रेस का राज भी देखा है, डेवलपमेंट भी देखी है, मोदी का भी देखा है, उसके सारे कार्य भी देखे हैं, उसी हिसाब से लोग वोट डालेंगे। तो 10 साल के राज से खुश हैं आप? खुश तो वो जब उसको राज मिला तो पब्लिक खुशी है, ऐसी तो कोई याद नहीं है कोई। तो बिल्कुल पब्लिक खुश है और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है, सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं, जो भाई साहब ने जैसे बताया कि सभी लोग अपने साइलेंट वोटर है, अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र को आगे ले जा सकती है, जो आदमी को एनालाइज करना चाहिए किसने आज तक अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा काम करेगा, इस उम्मीद के साथ चलना चाहिए, किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई जाति पात नहीं होना चाहिए, ना ये परिवारवाद आगे बढ़ना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ लेकिन बीजेपी ये तो कहूँगा कि देखो किस किस लोगों को उठा के मुर्मू को कहाँ पहुँचा दिया, कभी किस सोचा था राष्ट्रपति एक पिछड़ी जाति से बन सकती है, राजस्थान के सीएम को बनाया जिसका कभी नाम नहीं आया, मध्य प्रदेश में सीएम बनाया जिसका नाम नहीं आया, ऐसे लोगों को करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता भी ऐसे करते थे लेकिन अब बेचारे अंदर पड़े हैं। हाँ, उनको भी आगे ला रहे हैं। नहीं, वो तो अंदर पड़े हैं बेचारे। कौन से अंदर? वो अपने कर्मों से अंदर पड़े हैं जी, किसी का कोई कुछ नहीं है। देखो हम कोई डिसीजन मेकर नहीं है, वी आर नॉट ए डिसीजन मेकर। ये कुछ जब भी कोई बात होती है मीडिया पूछता है कि ये लोग अंदर कैसे गए, सभी कहते हैं जो कोर्ट से, बीजेपी कहती है जो कोर्ट के थ्रू डिसीजन है वो हुआ है, जो कोर्ट के डिसीजन है उसको माने। इस बार ईडी सीबीआई रोजाना सुनने को मिलता है। आपको ये बता दूं, ईडी और सीबीआई को आने के लिए पहले पता है कितनी रेकी करनी पड़ती है, जब लोग कह देते हैं ईडी क्या है, कितनी स्टेजेस से पहले गुजरना पड़ता है ईडी में आने के लिए। ईडी ऐसे किसी की एक्सेप्ट नहीं करती है, किसी की प्रपोजल या किसी के कंप्लेंट, ऐसे नहीं आपने कंप्लेंट करी ईडी आपके घर आ गई, ऐसा नहीं होता। पहले बहुत बड़ी उसकी रेकी होती है, कई दिन उसका चलता है, उसकी सारी बैकग्राउंड देखी जाती है, उसका सारा पिछला बैकग्राउंड क्या करता रहा, कैसे रहा, कई सालों का उसका रिकॉर्ड निकालते हैं, उसके परिवार का निकालते हैं, उसके बाद ईडी आती है। इस बार बहुत नेता अंदर कर दिया, मोदी के साथ चला जाए तो ईडी सब खत्म, वो कैसे धुल जाता है फिर सारा सारा वॉशिंग मशीन, वो सारी वॉशिंग मशीन जो है वो मोदी के पास ही है। ये ईडी की बात कर रहे हैं, ईडी इसलिए कर रखा है कि सारे हमारी तरफ आ जाएं।
और जितने करप्ट आदमी है सारे इकट्ठे कर लिए। मतलब इस बार वॉशिंग मशीन भी अपना अहम योगदान अदा कर रही है। ईवीएम भी कर रही है और वॉशिंग मशीन भी कर रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। जो चीज हमें दिखती है लेकिन हम उस पर बोलते नहीं है, उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। ईडी की वॉशिंग मशीन या वॉशिंग मशीन का जिक्र आया, उस पर क्या कहेंगे? कल 28 करोड़ रुपए झारखंड के एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से मिले हैं। वो क्या ईडी रख के आई थी या मोदी रख के आया था? पूछना चाहूंगा, कोरोना काल में आपको पता है कि हरियाणा सरकार बीजेपी की थी और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ था, यहाँ तो आज तक कोई नेता गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ईडी ऐसे किसी के घर सीबीआई नहीं जाती, कुछ ना कुछ सारा सिस्टम होता है। ईडी ऐसे किसी के घर नहीं जाती। अभी जवाब किसके पास है, मैं उसके पास आना चाहूंगा। आप बताएं, हरियाणा का शराब घोटाला याद है आपको, उसकी जांच नहीं हुई अभी तक? ऐसा है, जो ईडी सीबीआई वगैरह होती हैं, ये जो सरकार के आदमी होते हैं उनको नहीं पकड़ती, ये सिर्फ उन्हीं को पकड़ती है जो विपक्ष के होते हैं ज़्यादातर। आज का उदाहरण देख लो, जितने भी ईडी में पकड़े गए हैं सारे के सारे मतलब विपक्ष के ही हैं। एक वॉशिंग मशीन का जिक्र करा अंकल जी ने। नहीं, वॉशिंग मशीन में तो यह है, जितने भी करप्ट हैं सारे ले लिए, अब उसका क्या है? वो इसका मतलब वॉशिंग मशीन है, वो धो देती है सारे इल्ज़ाम धो देती है। कल ये 20 करोड़ के लिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे कांग्रेसी भाइयों से। जब अभी ओम प्रकाश चौटाला साहब को पीछे 10 साल की सजा हुई थी, वो किस कारण हुई थी, किसने कराई थी वो, और क्यों हुई थी? चौटाला साहब को सजा भी होगी, उसके बाद वो जो 400 आदमी नौकरी करे थे वो लगातार नौकरी भी करते रहे, वो भी नौकरी करते रहे। वो उस टाइम ईडी सीबीआई उस टाइम भी होती, ये ईडी सीबीआई तो हर सरकार के साथ चलती रही। एक बहू जी ने बात रखी कि वॉशिंग मशीन की बात रखी कि 2 दिन पहले जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों के नेता है वो बीजेपी में आके सही हो गए, उनको टिकट मिल गई, इस पर क्या कहेंगे? हमारा हिंदू धर्म है, उसके अंदर जो भी हमारी शरण में आएगा वो हमारा हो जाएगा, मतलब तब पाप धुल जाएंगे, सब पाप धुल, जो हमारी शरण में आ गया वो हमारा। ये तो बात नहीं हुई कोई, यही बात है भाई साहब। सर कल 20 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए मिले, वो अब मतलब देखो करप्शन तो है ना, लगा तो मिला। अब हरियाणा में गठबंधन हुआ करता था, एक ताला और चाबी, बीजेपी और जेजेपी। जेजेपी अब घर क्यों बिठा दी गई? तो भाई साहब उनका उनके साथ कम्बिनेशन था, अब वो अब उनकी सरकार का टाइम हो गया, वो अलग हो गए। अब ये तो बच्चे भी तो माँ बाप से अलग होते हैं, ये तो देखो परिवारों में चलता है। आरोप लगे थे उन पर, भी आरोप लगाए गए, खुद सीएम साहब की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए गए, बात कही गई कि इंक्वायरी होनी चाहिए शराब घोटाले की, फलाने घोटाले की, क्या आपको लगता है होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो बात तो कानून में ऐसा तो होना चाहिए, कोई भी हो चाहे इसमें बीजेपी हो पक्ष हो या विपक्ष हो, काम तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन कई बार जब अपने पे आती है तो काम रुक जाता है, कई बार ये देखने को मिलता है, कई अपने नजदीकी अपने साथ रहने वाले तो तब काम थोड़ा बहुत रुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? काम का तो सर ऐसा, अब ये देखो ना, अब ये पंजाब में रास्ते रोक रहे हैं, कांग्रेस कभी नहीं बोलती, अब आम आदमी का क्या कसूर है? अब चाहे पक्ष की बात है चाहे विपक्ष की, अब रेल रोक रखी है, रास्ते रोक रखे हैं किसानों ने, अब किसानों ने नहीं रोके, सरकार रोके। जितने रास्ते हैं जो डब वाली खुलवाया गया वहाँ पे व्यापारी इकट्ठे हुए, अभी ये रास्ते खोल दो, किसान नहीं तंग कर रहे, तंग तो सरकार कर रही है हमें, उन्होंने रास्ते में खीले गाड़ी हुई है, किसान एक साइड में बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन करना हर किसी का हक है, वो किसी को किसान तंग, रेल रोकना सिखों का पुराना इतिहास है, रास्ता रोकना तो गलत है। लेकिन सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसानों की आवाज अपनी जो डिमांड है उनकी होनी चाहिए, गलती है सरकार ने रास्ते रोके, किसान साथों किसान दिल्ली मरे, किसानों के साथ अन्याय, किसानों क्या कसूर है, किसानों की सुननी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन 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 एक बार जोर से पहले सबसे पहले बोल दो जय श्री राम, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। और बर्फी आ चुकी है, किसका जन्मदिन है? आपके भाई डॉक्टर सुरेश शर्मा का। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले सुरेश शर्मा जी को जन्मदिन की बधाई जरूर देनी चाहिए। और सुरेश शर्मा जी के चेहरे की लाली ये बता रही है कि अगली बार ये भी जो है अगली बार ये भी चुनाव में खड़े होने वाले हैं, लगता है चुनाव में खड़ा है। आप भाइयों का साथ होगा तो हो सकता है, क्या पता है। जरूर जरूर, मुँह मीठा हम भी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन
लेकिन माहौल जरूर ऐसा खुशनुमा है यहाँ पर कि हर जवान आदमी भी यहाँ पर आकर और जवान हो जाए और बुजुर्ग आदमी आकर और बुजुर्ग हो जाए। हमारे बीच में भौजी हैं, आपकी वॉशिंग मशीन का सवाल कईयों से पूछा लेकिन गुमसुम से हो गए सभी। ऐसे ही है भाई, वॉशिंग मशीन तो गुमसुम ही करती है और वॉशिंग मशीन के साथ साथ जितनी भी ईडी है या ईवीएम है इनमें भी पूरे पूरे वॉशिंग लगा रखे हैं। अपने सारे कंप्यूटर जो है चेंज करके, प्रोग्राम चेंज करके अपने आदमी लगा रखे हैं सारे ईवीएम पे जुमराने पे, तो उनके पास सब कुछ है। कांग्रेस के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ईवीएम का तो आरोप लोग लगाते रहे लेकिन आज तक क्लियर तो नहीं हो पाया। क्लियर हो जाएगा, अब हो जाएगा। उन्होंने कह 45 दिन तक रखना है इसको, जो जो हारेगा उस हिसाब से कर लेगा वो अपना हिसाब किताब। अब ये तो ईवीएम ठीक है, जो बीजेपी जीत गई तो ईवीएम ही गड़बड़ कर रही है। अरे सब जगह जीत रहे हैं, ईवीएम में कोई कमी नहीं। ये तो एक राजनीतिक आरोप लगाने वाली बात है, ईवीएम बिल्कुल निष्पक्ष है। वॉशिंग मशीन वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, पर जहां तक ईवीएम का सवाल है उसका कोई अभी तक उसका कुछ वो क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें कुछ हेरा फेरी होती है। मेरे विचार से ईवीएम में कोई हेरा फेरी नहीं होती, वही है। अगर वही बात है, बीजेपी जीत गई तो खराब है, अगर कांग्रेस जीत गई तो कहते हैं कि ठीक है। वॉशिंग मशीन बढ़िया है, हाँ वॉशिंग मशीन ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। वॉशिंग मशीन तो वॉशिंग मशीन तो है, पर इस वक्त क्या है कि पब्लिक को कोई अपोजिशन में ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा जिसको आगे लाए, मतलब हु अगेन मोदी, कोई एक नाम तो बताओ ले। मतलब आदमी जब वोट देगा तो सोचेगा कि मुझे कौन लीड कर रहा है। अब यहाँ पे हर साल ही अगर आपकी लोकसभा चुनाव की बात रही, विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि पहले जैसा माहौल नहीं दिख रहा है? आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी क्या टक्कर रहेगी? नहीं दिख रहा, लगता है कुछ चेंज होगा लगता है। मतलब विधानसभा चुनाव में आपको लग रहा चेंज होगा? हाँ विधानसभा में लग रहा, पर लोकसभा में नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको विधानसभा में चेंज होगा? नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, वैसे चीफ मिनिस्टर के कारण ये यहाँ पे भी पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन मुकाबला है, लेकिन पहले वाला नहीं है। इलेक्शन जब होगा तब की बात कर रहा हूँ, ये तो जीतेगा ना, उसमें 100% चेंज आएगा, क्योंकि पिछली बार 2014 से 2019 में भी चेंज आया, सीटें कम हो गई बीजेपी के। अब की बार तो मेरे ख्याल में तो यह माहौल बदल गया, सुपड़ा हिसाब होगा। विधानसभा की बात कर रहे हैं, इस बार 10 में से 10 सीटें बीजेपी दावा कर रही है हम ले जाएंगे, कांग्रेस दावा कर रही है हम ले जाएंगे। दावा है, झूठा दावा है, झूठा दावा, हम कुछ कह नहीं सकते। 50-50 भी हो सकता है इस बार, मतलब माहौल थोड़ा खटाई में है, खटाई हो सकती है, खटाई में जी। तीन चार सीटें तो कांग्रेस की पक्की है जी। और आप क्या देख रहे हैं भौजी, किस तरह का माहौल इस बार रहने वाला है? क्या 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? आधे मिलने भी मुश्किल है, 5-5 जो है ये भी मिलनी मुश्किल है बीजेपी को। हरियाणा में माहौल बदल रहा है, हरियाणा नाराज है, किसान नाराज है, नवयुवक नाराज है, एक अग्निवीर ने बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया, ये बाप से पहले बेटे बेरोजगार हैं, अति इसलिए नई जनरेशन में भी नाराजगी है। मैं कह रहा हूँ आप अपने को, मेरे मैंने कहने को, आप नौजवान है सर, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर, हम वोट देना चाहते हैं अजीत डोवाल जी के नाम पे, हम वोट देना चाहते हैं अश्विनी वैष्णव जी के नाम पे, हम वोट देना चाहते हैं राजनाथ जी के नाम पे। ये वॉशिंग मशीन जो अभी आप बात कर रहे थे सर, ये सभी पार्टीज में चलता आया, कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा होता था। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे, अगले विधानसभा चुनाव में भौजी का कहना है कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सर। ऐसा है, इस विधानसभा चुनाव का असर अगले विधानसभा पे भी पड़ेगा जी, ऐसा नहीं है। जो आज जो अब चुनाव होगा उसका असर आगे भी पड़ेगा। कह रहे हैं कि इस बार 3-4 सीटें कांग्रेस ले जाएगी सर। देखो हर आदमी का अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना राइट है वोट डालने का, लोकतंत्र है, सभी लोग आएंगे वोट डालेंगे, इनके अपने विचार हैं, दूसरों के अपने विचार हैं, कचाई का असर आगे भी पड़ेगा। कह रहे हैं कि इस बार 3-4 सीटें कांग्रेस ले जाएगी सर। देखो हर आदमी का अपना अपना हिसाब किताब है, अपना अपना राइट है वोट डालने का, लोकतंत्र है, सभी लोग आएंगे वोट डालेंगे, इनके अपने विचार हैं, दूसरों के अपने विचार हैं, चाहे कांग्रेस आए पर देश का विकास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देश का विकास होना चाहिए, युवा कह रहे हैं कि देश का विकास होना चाहिए। और युवा का तो बट्ठा बैठा दिया, इसमें रोजगार खत्म कर दिए, न्यून अग्निवीर में उनका फ्यूचर खराब कर दिया, किसानों को 700 किसान मरे, उन किसानों का फ्यूचर खराब कर दिया। ये नहीं लगता कि बड़ी संख्या में यूथ विदेश जा रहा है, 2 नंबर में जा रहा है, 1 नंबर में जा रहा है, क्या ये सही है? ये तो मजबूरी है उनके ऊपर, जमीन कम है, उनको यहाँ रोजगार मिल नहीं रहा, उनको तो अपने फ्यूचर के लिए करना है कुछ ना कुछ, इसलिए जा रहा है। आपको लगता है कि कई बिरादरियां तो बिल्कुल खाली होती जा रही है, युवाओं से खाली होती जा रही है, क्योंकि यहाँ
उस लेवल पर नौकरियां क्यों नहीं है लोकल शहरों में, क्यों बच्चों को विदेशों में जाना पड़ रहा है? आजकल के बच्चे जो है ना, पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, उनमें पढ़ाई कम थी तो वो परिवार के साथ लगे रहते थे। आजकल के बच्चे पढ़ लिखे हैं, वो भी आगे तरक्की करना चाहते हैं, भाई हम कहीं जाकर जो हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन ली है, जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या टेक्निकल या जैसे भी है, उनको उस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं मिल रहा। बाहर जाके उस लेबर करें, उन लेबर भी उनको अच्छा उनको उनका गुजारा अच्छा गुजारा होता है, उनके पीछे जो अपने परिवार है उनका भी रहन सहन उनमें आई मतलब बढ़ोतरी आई है, सुधार आया है। जहाँ जो पहले रह गए ना उन परिवारों में कोई सुधार नहीं, वो नीचे चले गए। जो बाहर बच्चों गए अपने नौकरियाँ ली, कोई रोजगार लिया और उनकी दशा बहुत काफ़ी सुधर गई है। इसी कारण ये देखते हुए बच्चे सारे के सारे बाहर भागे जा रहे हैं। एक एक लड़का वो भी जहाँ लड़की है वो भी माता पिता पेरेंट्स उनको बाहर ही भेज रहे हैं, बाहर चला जाए बच्चा वहाँ पे चला जाए, वो काम अच्छे पे लगेगा। बुजुर्गों को यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, आगे पीढ़ियाँ कौन बढ़ाएगा, वापिस वो आते नहीं है। बुजुर्ग तो चले ही जाने हैं, एक दिन आना है, उन्होंने कहीं आगे जाने। अगली पीढ़ी का तो सुधार हो कम से कम जो है वहाँ। जो मैं जाता हूँ बाहर विदेश भी जाता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पे एंजॉय करें, रहना पहना खाना पीना और सब कुछ सही है। यहाँ तो छोटे से काम के लिए भी हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बिल्कुल रोजगार नहीं है, सारे लोग जो हैं एक्सरसाइज दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम हसीन जवानों के लिए एक बार जोर से ताड़ियां जरूर बजा दी जाए। और अब हम इनको अलविदा कहकर चलते हैं, दोबारा से जरूर आएंगे, लेकिन हम सल्यूट करते हैं हमारे बीच में 103 साल के सुजान सिंह। आप देख सकते हैं 103 साल के सुजान सिंह जो नेवी में बहुत बड़े अफसर हैं, 103 साल के सुजान सिंह, इनकी खबरें हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। ये बाऊजी भी यहाँ पर इस समय सैर करने पहुंचे हैं, आप समझ सकते हैं। तो इन तमाम जवानों से सीखिए भाइयों, घर से निकलिए, मोबाइल से बाहर आइए, टीवी से बाहर आइए, घर के पति पत्नी के झगड़ों से बाहर आइए, और इनके बीच में रहकर अगर आप आएंगे तो आप भी पहले की तरह जवान हो जाएंगे, पहले की तरह इन जैसे हसीन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज का तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा।